साथ राम प्रकाश प्रजापति भी मौजूद हैं जो कि साइंटिस्ट हैं। हमारे साथ एक और मेहमान है वो भी मौजूद हैं इस वक्त। ये देखिए इस वक्त हमारे साथ मेजर शाह भी मौजूद हैं। अब मिशन है इसरो का, तो जाहिर सी बात है सबकी दुआएं जो है उसका साथ होना तो बहुत ज़रूरी है ही है। मेजर अली शाह, पहला देश भारत बन जाएगा, चांद की उस धरा को छूने वाला पहला देश बन जाएगा, चौथा देश चांद पर पहुंचने वाला, लेकिन उस साउथ पर तो अमेरिका तक नहीं पहुंचा है। बिल्कुल सचिन भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, ये बहुत गर्व की बात है कि हिंदुस्तान इतना अपना झंडा पूरी दुनिया में ऐसे लहरा रहा है कि सब लोग हमको ऑ में देख रहे हैं। दूसरी बात, कहते एक कहावत है कि वी लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। पिछले मरतबा हमने पूरी कोशिश करी और हमारी तरफ से इंटेंशन पूरी थी, बस लैंडिंग विक्रम की पूरी ठीक से नहीं हुई थी। इस बार पूरी उम्मीद लगा रहे हैं और प्रार्थना भी है कि लैंडिंग इस बार सॉफ्ट लैंडिंग होगी और ठीक से होगी। और जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि तकरीबन कितनी रेडियस से पहले 25 किलोमीटर, जो उन्होंने टाइम बताया, जो उन्होंने डेटा बताया, उन्होंने आंकड़े बताए, उस हिसाब से वो तय कर लेगा कि कहाँ पे अपनी लैंडिंग तय करनी है। तो तीसरी बात, पूरी दुनिया की नजरें हमारे पर है। मैं तो ये भी सुनने को आया है कि पाकिस्तान तक भी नारे लगा रहा है हिंदुस्तान जिंदाबाद के, तो ये बहुत कुछ दर्शाता है। चीन जो है, जिन्होंने तय कर लिया था कि 2030 से पहले वो चांद पे अपना झंडा लहराएंगे, वहां पे एक बेस सेटअप करेंगे, वो खुद हमें खुंदक खा के खुल जो जल रहा होगा, बिल्कुल भुन रहा होगा, वो बातें कर लेता है बड़ी बड़ी, अपने आप को प्रोपागेंडा कर लेता है बड़ी बड़ी। यहाँ पे हर कोई व्यक्ति, हिंदुस्तान का ही नहीं, बाहर मुल्क में हर जगह पे सारी की सारी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल बोलूंगा मैं, इंटर यूनिवर्सल बात बोलूंगा मैं, बल्कि ऐसा हम परफॉर्मेंस दिखाएंगे अभी, ऐसा कर्तव्य करके दिखाएगा हिंदुस्तान। जी हाँ, पहला देश वहां से और चौथा मुल्क जो चांद पे पहुंचा हो। तो देखिए, मेरी अभी कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले विंग कमांडर राकेश शर्मा साहब से बात हुई थी, उनका इंटरव्यू भी लिया था मैंने, वो यूट्यूब पे है। उन्होंने पूरा अपनी जर्नी बताई, कैसे शेप स्पेसशिप में कैसे वो गए रूसियों के साथ और कैसे वहां पे लैंडिंग हुई और क्या हुआ, बेसिकली पूरा स्पेसशिप अंदर से होती कैसी है और पूरा उन्होंने जर्नी बताई। तो इससे मैं काफी उस गुफ्तगू पे वेट कर पा रहा हूँ। सेलिब्रेशन के तौर पर देखूं, किस तरीके से अगर हम इसे कहें कि सेलिब्रेट वाली फील में लेके आएंगे, एक सशक्त भारत, एक मजबूत भारत, एक चौथा सबसे बड़ा देश भारत, पहला सबसे बड़ा देश, पहला दुनिया का इकलौता देश जो साउथ पर पहुंचा भारत, दुनिया को ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जिसके बारे में आज तक दुनिया ने कभी सोचा नहीं था, वहां तक पहुंचा ही नहीं जा सकता था, ऐसा देश भारत किस नजर से देखेंगे? जी, इसको मैं बहुत जबरदस्त, एक सुपर पावर बन गया है, हम दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि हम ऑलरेडी एक सुपर पावर हैं। ये किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी की जरूरत नहीं, यहाँ तक रोड लेस ट्रैवल लेना, सड़क पे कम लोग गए हो वो रास्ता तय करना, हिंदुस्तान की तरक्की हुई यहाँ पे। और फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव, कहते हैं जिसको जिसपे हिम्मत होगी, हिम्मत वाला उसी का साथ देगी किस्मत। किस्मत आजमाने के लिए भी है, पहले आपको एक जगह चाहिए, वो हिंदुस्तान में है, वो स्किल, वो टैलेंट, वो एबिलिटी, वो जोश, जुनून, वो दीवानगी हमारे में है, दिखाने में दुनिया को कि हम लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं। तो इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, इसमें बिल्कुल सच में आपकी रिपोर्टिंग की मैं दाग देता हूँ, आपके चैनल की मैं दाग देता हूँ कि आप लोग लाइव दिखा रहे हैं। बहुत लोग हैं जो वहां पे इंटरनेट नहीं मिल रहा, मर मर के वहां पे किसी तरीके से वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रयान का कुछ मिल जाए, ग्लिट मिल जाए। पूरी दुनिया कोई शक ऐसा नहीं होगा इसकी नजरें नहीं होंगी हिंदुस्तान पे। तो इसको मैं देखता हूँ कि हम अपने डिफेंस बजट में, तो हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट में तो बहुत आगे हैं, हमने तैयारी कर ली है, हम ट्रेड में आगे हैं, हम इकोनॉमी में भी, हम ग्लोबल इकोनॉमी में भी हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अब आप देखिए टेक्नोलॉजी में, जहाँ पे चीन जो दावे देता है, जो बातें करता है बड़ी बड़ी कि वो टेक्नोलॉजी में माहिर है, हम बहुत आगे निकल रहे हैं सचिन भाई, और ये बहुत अच्छा एक तरीके संदेश है पूरी दुनिया के लिए। और जैसा आपने बहुत वाजिब बताया, डिफेंस प्रोक्योरमेंट में हम बहुत आगे हैं, और उसी से जो है जाहिर सी बात है एक महाशक्ति, एक मुल्क को माना जाता है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट के साथ जो है स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस में एक बहुत बड़ा, जिसे हम कह सकते हैं कि महाशक्ति होना, डिफेंस इन स्पेस, क्योंकि आने वाला वक्त स्पेस का ही है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, डिफेंस एंड स्पेस, आने वाला वक्त स्पेस का है, जो कि एक्सप्लोर नहीं हुआ था अब तक, और बहुत सी ऐसी जानकारियां हिंदुस्तान को मिलेंगी, हिंदुस्तान के पास में होंगी, हिंदुस्तान के भाई वहां पे बहुत चीजें, जैसे कि स्पेस में क्या होता है, मून पे क्या होगा,
वहां पे के भाई अब पानी हवा मतलब बहुत ही रिसर्च बहुत से पॉइंट्स मिलने को आएंगे। मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी से आता हूँ तो खाने से, तो जब हम एक दुश्मन के ऊपर एक गोला फायर करते हैं लॉन्ग रेंज, जैसे कि मिसाइल जो होते हैं वो भी रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में आते हैं, उससे पहले हमको बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी पड़ता है कि गोला किस रेंज में जाएगा, किस एलिवेशन में जाएगा, तापमान कितना होएगा, फ्रिक्शन ऑफ इन एयर कितना होएगा, उसी तरीके से कई सारी इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, ये भी साइंस ही है। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक तरीके की साइंस ही है। आप एग्जैक्टली ठीक कह रहे हैं कि गोला किस दिशा में जाएगा, कहाँ से फेंका जाना है और कहाँ पे वो लैंड करेगा, वहाँ पर दुश्मन कैसे बैठा है और किस जगह पर वो दागा जाए। आप अपनी उस मेजर शाह अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। ठीक है मेजर शाह, अपनी बात पूरी कीजिए फिर उसके बाद मैं वापस आऊंगा। जी सचिन भाई, तो उस तरीके से जो कैलकुलेशन जो होता है, जो रिसर्च होती है, वो इंफॉर्मेशन जो होती है, वो बड़ी मेहनत से बहुत सी एनर्जी स्पेंड करके, टाइम एफर्ट और सैक्रिफाइस ब्लड सॉइल, वो हम हमारे पास में होगी। तो ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी और बाकी मैं नहीं मानता किसी और मुल्क के पास इतनी ज्यादा, अमेरिका को भी आज की तारीख में इतनी ज्यादा जरूरत है हिंदुस्तान की जितनी हिंदुस्तान को नहीं है इतनी अमेरिका की। हाँ, एक समय जरूर था जहां पे सारे मुल्कों को अमेरिका की ग्लोबल सुपर पावर की जरूरत थी, लेकिन आज की तारीख में हिंदुस्तान का आप देखिए, पिछले साल भी आप मार्च अप्रैल की बात निकालते हैं, कितने ग्लोबल लीडर्स, कितने डिप्लोमैट्स, कितने वर्ल्ड लीडर्स हिंदुस्तान आए थे जब रूस और यूक्रेन का युद्ध जब शुरू हुआ था फरवरी में, अब देखिए एंड ऑफ मार्च अप्रैल में कितने लोग आए थे। हिंदुस्तान निकल कर आ रहा है, अपना असली रंग हिंदुस्तान दिखा रहा है कि हम कितनी तरक्की कर रहे हैं, हम एक्चुअली ये चीजें ऑन ग्राउंड हमने करी है, ये चीजें हमने बातें नहीं करी चीन के साथ की तरह या बयानबाजी नहीं करी, हमने हमने काम करके दिखाया ऑन ग्राउंड कि हिंदुस्तान की ये ताकत है भैया।